आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर से, वो पत्थर जिससे शीशा टूट जाए तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह जिस शहर में आए खूबसूरत पहर में अवां सबनी साथियों के दे तोड़े परदे रहंदड़ सबनी दोस्तन के इम्तियाज़ लगारी आई सबा अली जो वेलकम सलाम आई जी सुबह बखैर। जबरदस्त मॉर्निंग आए आई सैटरडे आए कि इम्तियाज साई पे जमा बिल्कुल जबरदस्त गाल कई आए आई असी हमेशा असा पेंजे नाजीन के व्यूअर्स के दुआऊं दींदा आयो। दोस्तों जिते भी हुंदो हमेशा खुशबाश ऐं आबाद हुंदो, मौला कंदो तो हर नो उभरंदो सिज अवां लाइ खुशियुनि जो पैगाम खणी ईंदो। दोस्त ईअं ई मेला मतल हूंदा, कुर्ब जूं कचहरियूं क़ाइमु हूंदियूं, शल न को ॾुख अवां जे वेझो ईंदो। ॾुखनि खां हूंदो कोहे 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 दूर, ऐं ॾुख हूंदा अवां खां कोहे कोहे दूर, पंहिंजनि सां गॾु ऐं परवान खां हूंदो दूर। बिल्कुलु तव्हां शेयर करियो। सुबुह ऐं जीअं असां आया आहियूं पंहिंजे व्यूअर्स सां गॾु हिते, त हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि मां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदमि, त मंज़िल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंज़िल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। उहे आहिनि जेके घरां ना निकिता, जंहिं उहा पंहिंजो इरादो ई नाहे कयो त असांखे किथे पुॼणो आहे, असांखे किथे कमु करिणो आहे, असांखे कुझु करिणो आहे ऐं कुझु हासिलु करिणो आहे, ऐं जॾहिं इहो सोचे छॾियो आहे त कुझु हासिलु करिणो आहे, किथे पुॼणो आहे, कुझु गोल्स आहिनि, त पोइ उहे गुमराह ना आहिनि। बिल्कुलु ईअं आहे सभा, ऐं ख़ासि तौर ते उहे नौजवान। अॼु पाण प्रोग्राम टोटल असांजो जेको आहे यूथ ते ई पाण ॻाल्हाईंदासीं, एम्पावरमेंट ते ॻाल्हाईंदासीं, जॉब ऑपॉर्चुनिटीज़ ते ॻाल्हाईंदासीं, एकेडमिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं, इंटर्नशिप्स ते ॻाल्हाईंदासीं, ऐं पंहिंजो पाण खे कीअं एम्पावर करे सघिजे थो इन बाबति बि पाण ॻाल्हि कंदासीं। ऐं जेका ॻाल्हि अवीं कई आहे अवां पोइट्रीअ जी शकल में, उनखे बि पाण पोट्रे करण जी कोशिशि कंदासीं त इनखे कीअं सही तरीक़े सां वठी सघिजे थो। असां सां गॾु ज़बरदस्त महिमान बि आहिनि जिन्हनि खां असां उन्हनि जी राय बि पुछंदासीं। बिल्कुलु, पर उन्हनि खां पहिरियों मां उन्हनि खे जेको आहे इंट्रो ज़रूरु कराईंदी हलंदमि पंहिंजे ज़बरदस्त महिमाननि जो। जीअं असां वटि यूथ जी अॼु ॻाल्हि थींदी त यूथ खे ही इम्पावर करण जी असां उहा ॻाल्हि कंदासीं उन्हनि सां बि, ऐं ज़बरदस्त असां वटि हिकिड़ी अॼु गेस्ट अहिड़ी आहे जिन्हनि जो काफ़ी एक्सपर्टीज़ आहिनि, सिर्फ़ यूथ जे हवाले सां न पर उन्हनि जी एक्सपर्टीज़ फिज़िकली मेंटली उहे तव्हांखे कीअं कोपअप उन्हनि शयुनि सां करणु खपे उन्हनि जे बारे में बि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। त जी ट्रेनर ऑफ NLP आहिनि, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आहिनि, टाइम लाइन थेरेपी आहिनि उन्हनि जी आहे या एक्सपर्टी, ऐं जी उन सां गॾु कोचिंग एंड हिप्नोसिस। हाणे इहो कोचिंग एंड हिप्नोसिस छा आहे मां उन्हनि खां ज़रूरु पुछणु चाहींदमि, ऐं परफॉर्मेंस कोच उहे आहिनि, त मां वेलकम चवंदमि नौरीन अंसारी खे पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलहमदुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू, यू वेलकम। मिस अवास सां गॾु, फीमेल सां गॾु मिस नौरीन, ज़बरदस्त असांजा पार्टिसिपेंट। ऐं इन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो मेल पार्टिसिपेंट जेके पाण माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखनि था, ऐं उन्हनि जो तमामु घणो अरसो ज़िंदगीअ जो जॉब में रहियो आहे, प्रोफेशन में रहियो आहे, ऐं ज़ाती तौरु उन्हनि खे सुञाणा जहिड़े तरीक़े सां हू पंहिंजे कम खे, पंहिंजे फील्ड खे, पंहिंजे प्रोफेशन खे सर अंजाम ॾियनि पिया, सो क़ाबिल तहसीन आहिनि, ऐं आउं एप्रिशिएट कंदुसि। ख़ासि तौर ते अॼु उन्हनि सां पाण ॻाल्हि कंदासीं यूथ ते। यूथ ख़ासि तौर ते घणो परेशान हूंदा आहिनि त असांखे इंटरव्यू जे लाइ कीअं तयारी करणी आहे, असांखे कंहिं सुठी कंपनीअ में जॉब कीअं मिली सघंदी, असांखे पंहिंजा सॉफ्ट स्किल्स हुजनि या एकेडमिक स्किल्स हुजनि या ॿिया जेके बि सोशल असांजा जूं एक्सपर्टीज़ हुजनि उन्हनि खे कीअं पाण वधाए सघूं था, इन्हनि सभिनी टॉपिक्स ते ॻाल्हि कंदासीं। अॼु इन करे ई मूं चयो त अॼु प्रोग्राम आहे यूथ जो, ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में उन शख़्सियत खे जेका हिकिड़ी कंपनीअ में ज़बरदस्त वेल नाउन कंपनीअ में ग्रुप जनरल मैनेजर HR ऐं बिज़नेस एक्सलेंस जा हेड आहिनि, अदनान काज़ी साहब। सर, मैं वेलकम करता हूं। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ साहब, कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मतलब आज हमने आपका बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम ले ही लिया। आपके साथ जो मिस नौरीन बैठी हुई है, इनका भी बड़ा टफ शेड्यूल रहता है। हाशिम भाई भी आए जेके असांजे प्रोग्राम में जबरदस्त मौसीकी सा तड़को लगाईंदा आहिनि, मां उनके भी वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, अच्छा वो स्टाइल करे बैठो आए हैं, वाला चश्मा लगाए बैठो वगैरह पाए छो, खैर ता या ग्लासेस उससे भी का मजबूरी होना चाहे रोशनी नहीं है उन्हें मजबूरी, खैर को मजबूरी बस पूरी मसल जी वही हुई है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है,
जी मिस सभा मां समझा तो पान जी का गाल नमा कई थोड़ी देर पहले पान कोच उनन बाबत मिस नॉरिन का पान पूछो आई मां समझा तो जेके बे प्रोफेशनल असा वट अज बैठा इनन का वधि के निशय के को सही तरीके से डिफाइन भी है करे सगंदा छ जो मंजिल त असा के हुंदी आ असा जो गोल्स हुंदा पर उन पुजनो की है छ जो आजकल यूथ जा काफी सिर्फ जॉब रिलेटेड इश्यूज ना पर मेंटल इश्यूज भी लहाई आ हैं सो मां मिस नॉरिन का पूछन चाहिंदम क्या इश्यूज होते हैं और ये जो हमने अभी मैंने शेयर पढ़ा उस हवाले से भी थोड़ा बताएं कि हमें मंजिल तक कैसे पहुंचना चाहिए। देखिए एक बात है कि अगर मैं स्टोइक फिलॉसफी से भी देख लूं कि एफर्ट करना बड़ा ज़रूरी है और अगर इंसान ही सोचे कि मैं जीत जाऊं और मैं जी अगर मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल होगा तो मैं उतरूँ ही ना गेम में। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप गेम में उतरे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप हारे या जीते। सही है। सो आई थिंक आई इवन इन माई लाइफ आई मूव अहेड विद द नोशन कि जो भी आप करना चाहते हैं ऐसी अंधाधुंध ना करें लेकिन उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लें और उस जाने फिर अपने गोल को लेकर आगे बढ़ें। और सर का क्या कहना है इस बात पे? मैं समझता हूँ सर आपने भी मैं इस वक्त आप जिस पोजीशन पे हैं इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना तो होगा, किस तरीके से उनको ओवरकम किया और जैसे इन्होंने बात की कि भाई भटके हुए तो वो हैं जिन्होंने घर ही नहीं छोड़ा किसी मंजिल को तलाश करने के लिए। देखिए इनके शेर से अगर हम लेके चले ये तो एक बहुत मशहूर कोट भी, अल्लाह भी उनकी कौमों की हालत नहीं बदलते जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। इवन दो हम बात करते हैं कि रोजी रिस्क का देने वाला अल्लाह है बट यू हैव टू डू समथिंग, आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे कुछ स्टेप्स लेंगे तो उसकी बदले में आपको कुछ मिलेगा। ऐसे ही आप घर बैठे रहें दुआ करते हैं कि आपको घर बैठे बैठे खाना भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा जॉब भी मिल जाएगी तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे आप निकलेंगे उसमें फेलियर्स भी होंगे डेफिनेटली सक्सेस भी होगी, फेलियर से आप लर्निंग करेंगे आप चीजों को इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। मिस नॉरिन बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर आप क्या समझती हैं इस वक्त जो फॉर एग्जांपल मोटिवेशन होती है बहुत सारे लोग जो अपने हदफ अपने गोल्स को सेट किया हुआ है दिमाग में तो होता ही है लेकिन वो घर पे ऑफिस में शॉर्ट्स एक पेजेस पे या दीवार पे लगाया हुआ होता है वो मोटिवेशनल कोट्स, क्या ये वाकई हमारी ज़िंदगी पे हमारी मोटिवेशन पे हमारी एनर्जी पे हमें बूस्ट करने के लिए कारामद साबित होते हैं? बेशक होते हैं क्योंकि देखिए आप दिमाग को जो सिग्नल देंगे ना वो अडैप्ट करेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, इसे टेट्रिस इफेक्ट भी कहा जाता है जिसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है और पॉजिटिव फोकस एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं वो आपको नज़र आने लगती है। बारह इसमें ये बात हो सकती है कि घरों में जब डिसीजन होता है कि जी हम ना काले कलर की गाड़ी जो है वो खरीदेंगे तो रोड पर आपको काले कलर की गाड़ियाँ दिखने लगती हैं और जहन में ये बात आती है कि अरे इतनी सारी काली गाड़ियां ही चल रही हैं भाई हम कोई और सा कलर चूज कर लेते हैं, या आप किसी महफिल में जाते हैं सबने जो है वो वही कलर पहन लिया पहना हुआ होता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है उस इवनिंग के लिए। सो दैट इज समथिंग कि आपका जो दिमाग है उसमें एक रिले चलता है और वो उसी चीज पर फोकस करने लगता है जो आपने उसको फीड दे दी एक मोमेंट में अनकॉन्शियसली। तो हमें इस बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है कि जैसे आपने कहा दीवारों पर कोट लगा देना अपने आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्या आता है, आप अपने आप को जितने अच्छे रिमाइंडर्स देंगे जितनी अच्छी फीड देंगे जहन में आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से हैबिट की बेसिस पे जो है वो मूव और अडैप्ट करने लगेगा। जब हम लोग जो सोचते हैं इवन जब हम लोग फोन उठाते हैं और कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो वही चीजें आ रही होती हैं। बेशक बेशक वो तो एल्गोरिथम्स भी अब इतने पावरफुल हैं कि वो हमारा बिल्कुल माइक्रो मूवमेंट्स देख लेते हैं। आपने अगर ज्वेलरी की कोई एक पोस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया आपको वही दिखने लगते हैं और ज्वेलरी के एड्स दिखने लगते हैं। वो तो खैर एल्गोरिथम इज अ वेरी डिफरेंट साइंस, ये सारा एआई बेस्ड चल रहा होता है ना, आपने वंस एक चीज देख ली तो वो आपको फिर बार बार रिपीट भी होगी। इन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट आप जितना चीजों को रिट्रेड करेंगे रीइंफोर्स करेंगे आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। और फिर वो जो आपको कहीं ना कहीं पे पॉप अप हो रही होती है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती है और आपको फिर चीजें नजर आने लगती हैं। बिल्कुल सही। के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो काफ़ी यंगस्टर्स हैं यू नो वो लथार्जिक हो जाते हैं कि नहीं अब सुस्त हो जाते हैं नहीं करना, अच्छा करना भी चाहते हैं लेकिन शायद उनका टाइम डिवाइड हो गया है सोशल मीडिया की वजह से और थोड़ा यू नो सोशल रहने की वजह से, तो उनको कैसे मोटिवेशन दी जाए? एक बात मैं इसमें ये भी कहूँगी कि हमारा जो एक मूवमेंट हुई ना सोसाइटी की
हमारे यूथ को हमने खुद भी इस तरह का किया है, बिकॉज ओनली येस्टरडे आई मेट दिस वन यंग जेंटलमैन और वो बेकरी के ऊपर काम करते हैं फंडिंग हिज ओन एजुकेशन. तो हमारे पास ऐसे यूथ के भी एग्जांपल्स हैं, बच्चे खुद फंड कर रहे हैं. लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी देखें, देर इज़ दिस वन कोट एंड इट केम फ्रॉम वन ऑफ द रूलर्स ऑफ आई थिंक वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गल्फ, और उन्होंने ये कहा था कि जी ईजियर टाइम्स क्रिएट वीक मैन. या सो हम जितनी आसानियाँ दे देंगे ना औलाद को, वो फिर और लेड बैक एटीट्यूड और ज़रा सी मुश्किल आने पर वो हड़बड़ाहट और सट पटा जाना जो है वो होता है. आई थिंक आर यूथ नीड्स टू आइडेंटिफाई, बेशक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन में ना डालें, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर उठाएं किसी भी चीज़ की. या इन करे जो चवंदा आयूं तो असा सोचिंदा तो घणो आयूं, पर असा करण जी एतरी हिम्मत न रखंदा आयूं. ऐं जी जबरदस्त असां वटि ब्रांड्स मौजूदु आहिनि, ऐं उहे असां कॾहिं न आहियूं विसारींदा आहियूं इतिहास. सो शुरू कंदासीं टपाल मेज़बान. असां वटि गिद आहे ऐं मां सम्झां थो असांजे प्रोग्राम में उन्हनि जो ई तामन रहंदो आहे. टपाल मेज़बान आहे सिंध जी नंबर वन चाय. सिंध जी मेज़बानी जो राज़ आहे टपाल मेज़बान. टपाल मेज़बान जो अनोखो रंग, खुशबू ऐं ज़ाइको. टपाल मेज़बान जी कैंपेन आहे जश्ने जमालो. अगर अवीं बि जश्ने जमालो जे कंहिं बि इनाम खटण में मौक़ो हासिल करणु चाहियो था, अवां पंहिंजे घर जी वेझो स्टोर तां उनजो हिकिड़ो पैक ख़रीद करियो. पैक जे मथां ॾिनल कूपन ते पंहिंजूं डिटेल्स ॾेई करे घर जे वेझो ड्रॉप बॉक्स में विझी करे अवीं शामिल थी सघो था उन्हनि क़ीमती इनामात जो, जेको क़ीमती इनाम अव्हां खे जश्ने जमालो जे तरफ़ां मिली रहियो आहे. सिंध जी शान टपाल मेज़बान. टपाल मेज़बान खणी आयो आहे टपाल मेज़बान जश्ने जमालो टीवी शो अव्हां जे पंहिंजे शहरनि में. शहर कहिड़ा आहिनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदमि. नवाबशाह, मोरो, सखर, लाड़काना, घोटकी, जेकबाबाद, दादू ऐं खैरपुर. जी हा दोस्तो, नवाबशाह, मोरो, लाड़काना, सखर, बदीन, हैदराबाद ऐं जिते जिते अवीं रहो पिया ऐं अव्हां जा जेके बि शहर आहिनि उते जश्ने जमालो जी कंपेन स्टार्ट थियण वारी आहे ऐं उन्हनि जा क़ीमती इनामात खटण लाइ अव्हां खे ज़रूरु उन में शामिल थियणो आहे. सभु मां सम्झां थो त पाण डिस्कशन ॾाढी करे वरितीसीं ऐं असां वटि ज़बरदस्त गुलूकार बि मौजूदु आहे हाशिम भाई, ऐं इन खां पाण पुछंदासीं त अॼु कहिड़ो गुल जेको आहे गानो पाण शामिल करियूं पिया. वाह वाह वाह. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है. मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है,
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, हमको सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाई जबरदस्त कलाम बुधाए तो वज सुबह सुबह जो सके ताजा करे छले वा बिल्कुल फ्रेश करे छले वा वाह भाई वाह कलाम से कमाल कर दिया है ना जी ऐसा ही अच्छा सुबह जो जने ता स्ट्रो कुछ बुधंदा आयो चाहे वो कोई भी कलाम हो जे काड़ी गाल हो जे तनी सजो स्ट्रो गुजरंदो आ पॉजिटिव गुजरंदो आ हाशिम भाई थैंक्स टू यू हाशिम भाई इने जो मकसद एंजॉय करता है मौके बहुत ज्यादा आपकी मसरूफियात भी होंगी और जाहिर सी बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको आपने बखूबी निभाना है। सुबह आते साथ ऑफिस में बैठना कैसे आप वर्किंग को लाइन अप करते हैं, क्या मसरूफियात रहती है, दिन का आगाज कैसे होता है? देखिए इम्तियाज, एक तो ऑफिस में बैठने वाला मेरा काम नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। सही। एक्चुअली मेरे पास जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वी हैव डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट लोकेशंस, तो आई स्टार्ट माई डे विद द फैक्ट्रीज। एक तो आई नेवर कम लेट। गुड। जब मैं किसी फैक्ट्री पे टाइम पे पहुंचता हूँ कि बींग ए जीएम एचआर, तो वहाँ की जितनी भी मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग वर्कर्स, जब वो देखते हैं कि काजी साहब पहुंचे हैं तो और कभी भी पहुंचेंगे तो वो लोग फिर टाइमली ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट होते हैं। और जब आप सुबह का अपना टाइम स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर आपकी एनर्जी और सब चीज़ों के साथ, तो फिर आपको पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बिल्कुल सही। ऑफिस में बैठने से काम नहीं होता, और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल अबाउट द ह्यूमन इंट्रैक्शन। आप जब जाएंगे किसी भी फैक्ट्री पे, किसी भी प्लांट पे, वहाँ क्या चल रहा है, क्या वहाँ के चैलेंजेस हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको सॉल्यूशंस चाहिए, आप उनको जब ऑन द स्पॉट वो चीज़ें दे रही हैं, इट विल हेल्प देम टू एग्जीक्यूट इन अ बेटर वे। मॉर्निंग का जो सेगमेंट होता है उसमें जो आपके पास एनर्जी भी होती है, इट्स लाइक यू गेट मोर डन इन दोस फ्यू आवर्स। मॉर्निंग आवर्स अगर आप इन्वेस्ट कर दें, वो जो कहते हैं ना कि 9 से 10 का टाइम ऐसा होता है कि आप जितना भी काम कर लो ना उसका पॉजिटिव ही निकलता है रिजल्ट। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो बल्कि अगर आप 9 बजे से 1 घंटा और पहले भी अगर आ जाए ना, तो उसमें जो आप टाइम कर जाते हैं ना जो काम, वो आप पूरे दिन में नहीं कर सकते। पूरे दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल काम से याद आया सर, आप टू डू लिस्ट तो बनाते होंगे। उसके लिए देखें आपको पूरा डे अपना प्लान करना पड़ता है, आप अपना पूरा कैलेंडर लॉक करें, आप किस टाइम पे क्या करना है, और
हमारे जो बॉस हैं या जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, वो हमें हमेशा ही सिखाते हैं कि आप टाइम पे चीज़ को स्टार्ट करें और टाइम पे क्लोज करें। बिल्कुल ठीक। इवन तो आप मीटिंग्स भी अगर करते हैं ऑफिस में जितनी भी 30 मिनट्स 45 मिनट्स से ज़्यादा जब मीटिंग एक्सटेंड होती है, प्रोलोंग होती है, फिर उसका मोशन, उसका मोमेंटम और उसका मोटिव खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर जनरल डिस्कशंस और कहीं और निकल जाते हैं। आप टू द पॉइंट स्टार्ट करें और उसको पॉइंट के ऊपर और विद इन लिमिटेड टाइम उसको आप क्लोज कर दें। बिल्कुल ठीक। मिस नौरीन जी, मिस नौरीन से मेरा ये सवाल है, आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं NLP और फिर काफ़ी कोचिंग वगैरह, लेकिन मैं आपकी एक्सपर्टीज में आपकी प्रोफाइल में ये पढ़ी थी हिप्नोसिस, इससे क्या मुराद है, क्या कैसे होता है? अच्छा, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं क्या इश्यूज लेके आते हैं हिप्नोसिस से रिलेटेड, और क्या उनके बिहेवियर और थाट्स आप कैसे चेंज करते हैं? अच्छा, हिप्नोसिस की अगर मैं बात कर सकूँ, आई एम अ ट्रेनर फॉर हिप्नोसिस एंड हम सर्टिफाई करते हैं लोगों को एज प्रैक्टिशनर्स एंड मास्टर प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिप्नोसिस। उसमें हम हिप्नोटिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट, मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को। एक तो होता है हिप्नोसिस में क्लाइंट को ले जाना, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी उनका एक कंसर्न है उस जानब उनको एक सोल्यूशन की तरफ भी लेके जाना। एंड इफ़ आई कैन टॉक अबाउट, जैसे प्लानिंग करता है इंसान, गोल सेटिंग करता है, तो गोल सेटिंग और प्लानिंग का दारोमदार जो है वो कॉन्शियस माइंड से है, एक्टिव माइंड से है, कि जैसे मैं फोकस कर रही हूँ किसी चीज़ पे। अगर हम अनकॉन्शियस की बात कर लें तो हिप्नोसिस जो है वो अनकॉन्शियस को सपोर्ट करता है और उसकी इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। और हिप्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स जो अनकॉन्शियस कोचिंग वगैरह से जो है वो उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो हिप्नोसिस के ज़रिए वी रियली जस्ट चेंज्ड we change the game in their mind. It really takes them to that. clients हैं उनके क्या issues होते हैं जिनको hypnosis की ज़रूरत होती है? unconscious होते हैं, वो focus नहीं कर पाते हैं। It's not just about focus ना कर पाना, it's about hypnosis की अगर मैं बात कर लूँ, it can facilitate anyone, it can facilitate you, it can facilitate me as well. और hypnosis के ज़रिए बहुत सारे solutions जो हैं वो लोग अचीव करते हैं, like बीमार का जो खाना जो है वो नहीं निगल पा रहा है तो उसमें भी सपोर्ट मिल सकती है। वहाँ हम गार्डियन को भी ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आपने सपोर्ट देनी है पेशेंट को जिनकी तबीयत जो है ख़राब है। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, अ लॉट कैन बी कवर्ड अंडर हिप्नोसिस, जो भी कंसर्न है। बट ऑफकोर्स येस, हिप्नोथेरेपिस्ट लेवल पर जब एक प्रैक्टिशनर होता है, दे डू इंश्योर कि दे डिवेलप अ हिप्नोसिस स्क्रिप्ट सच कि वो क्लाइंट के साथ जब वो उसे एक उसकी अदायगी की भी एक पूरी ट्रेनिंग होती है। बट वंस यू यूज़ इट, क्लाइंट जो है ना वो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट, हम इतने मसरूफ़ और इतने परेशान रहने लगे ज़िंदगी में कि हम इन्वर्ट जाना जो है ना, ज़रा सुकून के साथ अपने साथ हम कलाम होने पे टाइम इतना स्पेंड नहीं करते, तो हम अनकॉन्शियस से ज़रा हमारी जो है ना वाकफियत टूट गई है, वो ज़रा कमज़ोर हो गई है। और जब हम ये देखते हैं ना कि एक इंसान ज़िंदगी में परेशान है, कुछ करना ज़्यादा नहीं कर पा रहा, जैसे ही हम उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की, सारी चीज़ें उनके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिप्नोसिस। और गोल सेटिंग, प्लानिंग वगैरह तो सब सही है, लेकिन एक होता है ना कि ओवरऑल इंसान की फीलिंग क्या है अपने गोल के बारे में, सो वी ब्रिंग दैट इंटीग्रेशन, एक कनेक्शन बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड विद हिप्नोसिस। हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको अपने गोल तक पहुंचने में अगर थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, कुछ यू नो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वो हिप्नोसिस ये सारी ट्रेनिंग्स अगर करवाएं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। बेशक बेशक। एंड इफ आई कैन टॉक अबाउट बड़े लाइक विद फ्रॉम द कोर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, आई वाउच फॉर इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी रनिंग वन ऑफ द बैचेस। तो हम लोग हर महीने जो है तकरीबन बैचेस कर रहे होते हैं और हम सिर्फ NLP नहीं सिखाते, हिप्नोसिस, NLP कोचिंग एंड टाइमलाइन थेरेपी। सो देयर आर टोटल फोर एरियाज ऑफ स्टडी दैट वी इक्विप द प्रैक्टिशनर विद। तो उससे जब एक इंसान गुजरता है तो वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों की वर्किंग का माहिर हो जाता है। एंड इन एक्सरसाइज से जब बंदा गुजरता है तो उनको ना बहुत ज़्यादा एक कमांड आ जाती है अपने माइंड की कि ठीक है जी, इन लफ्ज़ों के मायने क्या हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मायने जो जहन में है ना किसी भी चीज़ को लेकर, मस्बत या मनफी, उसी की बेसिस पे आपका बिहेवियर जो है वो बनता है। बिल्कुल सही। अदनान साहब से एक सवाल है मेरा, गोल सेटिंग की बात हुई, मकसद हासिल करने की बात हुई, अदनान साहब अपने गोल को अचीव करने के लिए और ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? देखिए इम्तियाज, गोल्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्योंकि बीइंग HR, हम सबको ऑब्जेक्टिव सेटिंग और गोल सेटिंग के ऊपर
ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं और लोगों को बता भी रहे सर, हैं। मैं अगर आपकी ذاتی जिंदगी पे बात करूं तो गोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे होने चाहिए जो कि आपके अचीवेबल हों और फिर टाइम बाउंडेड हों। ठीक, आप उसमें टाइम सेट करें, टाइम लाइन्स करें और फिर उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें। सही। और जैसे पहले हमने बात की, आप चीज़ों को एक जब टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं तो देन फोकस होने। आप अगर डिसकनेक्ट हो गए या फोकस आपका कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो देन यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, काफ़ी सारे लोग जिनके जहन में बहुत सारे गोल्स चल रहे होते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है, तो वो किसी भी गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते। मिस नोरीन ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, फोकस रहने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको गोल्स ये देखने कि गोल्स आपके अचीवेबल है भी या नहीं है। तो गोल्स को फिर आप कैटेगराइज करें। ठीक है, जो अचीवेबल नहीं है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ें, फर्स्ट प्रायोरिटी आप उनको दें जो इजीली अचीवेबल। फिर उसके बाद आप टाइमली जब उनके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप स्मार्ट गोल्स, आप माइलस्टोन्स सेट करते हैं ना, कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, देन यू गो टुवर्ड्स द सेकंड वन। बिल्कुल। आप अगर सबको एक साथ कैटर करने की कोशिश करेंगे, यू कैन नॉट डू दैट। बिल्कुल, क्योंकि आपका फोकस एक वक्त में एक ही जगह पर होगा। बिल्कुल सही। आप उसको टाइम बाउंड करने के साथ साथ आप उसमें सेग्रीगेशन कर लें और आप उसमें फोकस डिवाइड कर लें, अपना टाइमलाइन सेट कर लें। फर्स्ट आपने किसको करना है, सेकंड किसको करना है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस में इन सब में पढ़ाया जाता है कि आप माइलस्टोन्स बनाते हैं कि आपको फर्स्ट फेज में क्या करना। आप फेज आउट कर लेते हैं चीज़ों को, फेज वाइज करते चले जाएं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली, जब आप स्मॉल गोल्स अपने अचीव कर लेंगे फिर उसके बाद बिग गोल्स की तरफ आप ऑटोमेटिकली, आपके लिए रास्ता और खुलता चला जाएगा, इजी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी छन पिया तो वरी इंटरेस्टिंग आंसर्स भी छन पिया गया। वही यूथ लाइन डाडो एकड़ो जबरदस्त प्रोग्राम थी रहयो आए, असा वट जबरदस्त टपाल मेज बंतावन कर रहयो आए जी इम्तियाज। बिल्कुल, तामन तो करे रहे आए हैं, अमा की खबर आए टपाल मेजबान सिंध जी नंबर 1 चाया, नंबर 1 चाया है। ए मुझे फेवरेट आए, मां घर में भी टपाल मेजबान यूज करनी है। सबनी सजणन के, साथियन के, नाजुन के, व्यूअर्स के या पीण गुरजे ट्राई करन गुरजे डाडो मसो ही जी। टपाल आए सिंध जी नंबर 1 चाय, सिंध जी मेजबानी जो राज आए टपाल मेजबान। वाह भाई वाह, टपाल मेजबान जो अनोखो रंग, खुशबू ए जायको। टपाल मेजबान जी कैंपेन आए जश्न जमालो। आई हाँ, अगर जश्न जमालो जी कीमती इनामात के खटन लाए अभी ब पुर उम्मीद आयो तो अवां पेंजे घर जे वेजो स्टॉल इता या स्टोर इता एकड़ो पैक खरीद करियो, उन मथा दिनल कूपन ते पेंजे डिटेल्स दर्ज करे, घर जे वेजो ई दिनल ड्रॉप बॉक्स में विझी करे अभी शामिल थी सको था उनन इनामात लाए जेके जश्न जमालो अवां के दई रहयो आए। सिंध जी शान आहे टपाल मेज़बान। टपाल मेज़बान खणी आयो आहे नंबर 1 टीवी शो अवां जे पंज शहरन में, ऐं शहर आहिनि नवाबशाह, मोरो, सखर, लाड़काना, घोटकी, दादू, जेकबाबाद, ऐं खैरपुर। बिल्कुल ठीक आहे, मोरो वारा तयार थी वञो, हैदराबाद वारा बिल्कुल रेडी थी वञो, दादू वारा भी तयार थी वञो, लाड़काना वारा भी, ऐं मुंहिंजो पंहिंजो शहर घोटकी, सभी तैयार थी वंजो अवां वठी। अच्छा, मुजो शहर लाड़काणो आए तो बिल्कुल तैयार होजो। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त जश्न जमालो टीवी शो जे लाए जी। हाँ। वदनासी सा पंजे गेस्ट जी तरफ, आई जी गेस्ट का मुजो नोरीन का जबरदस्त यो सवाल आए कि एनएलपी सेशंस के लिए काफी लोग आते होंगे और काफी ट्रेनिंग्स आप करवाती होंगी, लेकिन क्या कपल्स आते हैं जिनके इश्यूज होते हैं, और कपल्स क्या इश्यूज होते हैं, और पार्टनरशिप जैसे कोई पार्टनर चूज करना है, क्या ये मेरा पार्टनर जो सही है मेरे लिए या नहीं, तो ये आप बताते हैं ट्रेनिंग में? जी जी जी, हम एक्चुअली एनएलपी और टाइमलाइन थेरेपी हिप्नोसिस एनएलपी कोचिंग के जो हम ये चार सर्टिफिकेशंस वाली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ना, इसमें हम इंसान को कम्युनिकेशन सिखा देते हैं। अच्छा। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम वी हैवंट रियली लर्न हाउ टू से द राइट थिंग्स टू ईच अदर। लैंग्वेज में हम काफ़ी जो है ना लिमिटेड हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें, एक दूसरे का जो बात करने का अंदाज है ना, वही कैच नहीं कर पाते। बच्चों के साथ या स्पाउस के साथ भी अगर आप देख लें, हर किसी का बात करने का एक अंदाज होता है, एक पैटर्न है हर चीज का। अगर आपने अपने स्पाउस का या अपने घर वालों का जो है वो पैटर्न कैच कर लिया, और वो हम सिखाते हैं लोगों को किस तरीके से जो लोगों के पैटर्न जो है आपने रिसीव करने हैं, वी इंक्रीज देयर लिसनिंग कैपेसिटी इन द प्रोसेस। और आपने एक बंदे का पैटर्न अगर समझ लिया, आप वही पैटर्न फॉलो कर उनसे अगर बात करेंगे, उनको आपकी बात समझ भी आएगी, आप लोग अग्रीमेंट के साथ भी चल रहे होंगे और स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा। सो एक तो ये चीज़ हम रिलेशनशिप में लोगों को बताते हैं। दूसरी चीज़ ये आपने पूछी कि जी पार्टनर सही कैसे चूज़ किया जाए,
हमारी सोसाइटी ने जो है ना वो ब्लूप्रिंट जो दिया है ना हमें शादी का, वो ज़रा वीक दिया है. लाइक यू फाइंड अ बेटर हाफ. ये बेटर हाफ क्या है? तो आप 50-50% खेल रहे हैं. आई थिंक इट नीड्स टू बी एन ऑसम 100%. आप अपने आप को भी इतना मजबूत रखें और सामने वाली पार्टी भी जो है वो 100% अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रही हो. और दो लोग जो हैं ऐसे मुकम्मल लोग जब साथ में मिलते हैं तो दे एक्चुअली हैव अ वेरी ग्रेट आउटलुक ऑन लाइफ. और इसमें सिर्फ इतना है कि किसी से शादी करने से पहले बंदा ये देख ले कि जी उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जहन में, अपने जहन में क्या राय है, क्या जाविया है, कहाँ जाना चाहते हैं, विजन क्या है उनका. और जहाँ दो विजन अलाइन हो रहे हों वो दो लोग साथ चलें, वरना जो है you better choose another partner. अच्छा कहती हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका स्पाउस, वो सोलमेट होना चाहिए. तो डू यू बिलीव इन सोलमेट, और वो कैसे ढूंढा जाए? एज अ ट्रेनर आप वो कैसे बताएंगी? देखिए हम मुसलमान माशरा हैं, सोलमेट की जो थ्योरी है ये कहाँ से आई है मुझे नहीं पता. और अगर आप ये देखें कि जी किस तरह से लोग जो हैं वो इट्स नॉट जस्ट वन मैरिज दैट पीपल गो थ्रू, तो आप सोलमेट ढूंढते रहेंगे. और एक थ्योरी ये भी कहती है कि आपके अंदर जो कमी होती है ना, जो आपके अंदर खामी होती है वही आपको सामने वाला जो है वो सोलमेट लग जाता है. आपके अंदर की खामियां आप दूसरे बंदे में जब मैनिफेस्टेड देख लेते हैं कि जी उसके अंदर ये, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं. यस, वाइब्स मैच कर जाते हैं. आजकल तो वो हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनकी तो फौरन ही वाइब्स मैच कर जाती है, तो वो सोलमेट ही समझते होंगे. लेकिन फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि जी सोलमेट तो है ही नहीं. कुछ वक्त के बाद वो फिर वो मिट्टी पाव वाला सीन तक चला जाता है. और पता है क्या, एक और कॉन्सेप्ट है शैडो का, एंड कार्ल यूंग की थ्योरी हमें अच्छा मिलता है. तो जनाब ये कहा जाता है कि जी आप ना अपना जो शैडो है उस वो बिहेवियर रखने वाला शख्स जो ना उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो हैविंग सेड दैट कि जनाब जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल अंधाधुन ये ना सोचें कि वो जी चांद बड़ा हो गया है, म्यूजिक गिटार बजने लगा है, हवाएं चल रही हैं. तो जरा थिंक थ्रू कर लें कि ये गाड़ी जो है वो कहाँ तक जाएगी, कितनी स्पीड से जाएगी. आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि सवाल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बातों से ज़्यादा ना सवाल बड़े मखसूस होने चाहिए. क्योंकि अगर आप सही सवाल कर लें सामने वाले से तो जवाब मिलता है. बिल्कुल ठीक है, उससे आप असेस कर सकते हैं. एक चीज और छोटी सी ऐड ये करूँ कि देख कमियां खामियां सब में होती हैं, आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है. बिल्कुल सही. अगर आप 100% परफेक्ट पाएंगे यू कैन नॉट फाइंड एनीवन. और जहां एडजस्टमेंट नहीं हो रही दोनों स्पाउसेस से, तो आई थिंक वो ट्रेनर जो होते हैं हमारे एनएलपी ट्रेनर्स वो हमें ज्यादा बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना. वो हम क्लास लेंगे मिस नॉरिन से, तय करवाते हैं उनसे कि जी इज इट वर्थ इट टू सेव दिस रिलेशनशिप एंड आर यू रेडी टू पुट इन द एफर्ट. इफ बोथ पार्टीज एग्री देन वी मूव अहेड. बिल्कुल सही, इंशाल्लाह हम दोनों ने क्लास लेनी है. अदनान साहब की तरफ जाएंगे. आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जहां पे हमारी चीजें अलाइन नहीं हो रही हो, मैच नहीं कर रही हो, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स. अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली घर और ऑफिस दोनों में ही ये पूछूं किस तरह आप चीजों को अलाइन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को आप मतलब पॉजिटिवली लेकर आगे चलते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कभी भी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को टुगेदर नहीं लाना चाहिए. कीप बोथ थिंग्स सेपरेट. बिल्कुल ठीक. आप अगर घर की परेशानी ऑफिस में ले गए तो आप वो काम नहीं कर सकते, ऑफिस के घर ले आए तो वो नहीं कर सकते. योर पर्सनल लाइफ इज सेपरेट एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी सेपरेट. बिल्कुल सही. जब आप उनको सेपरेट रखेंगे तो यू कैन अचीव योर ऑल ऑफ द गोल्स. आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी और आप प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस करेंगे. अदनान साहब की कंपनी में तो बहुत ज्यादा सुनी जाती है, घर में भी इतनी सुनी जाती है यार. घर में तो सबकी गम ही सुनी जाती है मर्दों की. सारे मर्दों को यही शिकायत होती है कि घर में कम सुनी जाती है, बाहर तो देखो जितना भी बड़ा जीएम डायरेक्टर रात में जाते हुए दूध दही लेके जाना पड़ता है. चैलेंज दिया अदनान भाई का, एक पॉइंट हमें मिल गया, दूध दही लेकर जाते हैं घर में. अच्छा मेरा एक सवाल आप दोनों से, आप ट्रेनिंग्स करवाती हैं और आप एचआर में लोगों को जॉब्स देते हैं और वो उनके हाँ जी बिल्कुल. तो क्या आप बंदा देख के समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या मसले हैं, और क्या आप बंदा देख के समझ जाते हैं कि इनकी क्या एक्सपर्टीज हैं और इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखें हम पर्सनैलिटी जजमेंट पे नहीं जाते. जब हम इंटरव्यू करते हैं हम स्किल्स को जज करते हैं. कोई भी कैंडिडेट किस जॉब के लिए आ रहा है उसमें वो स्किल्स हैं या नहीं है,
उसने कपड़े कैसे पहने, ऑब्वियसली योर अटायर शुड बी प्रेजेंटेबल, पर्सनालिटी भी काफी, एक पर्सनालिटी मैटर करती है, बट पर्सनालिटी से आप जज नहीं कर सकते हाउ ही और शी विल परफॉर्म ऑन जॉब. उसके लिए आपको उसकी स्किल्स जज करना बहुत जरूरी है, वो क्या स्टडी करके हैं, दैट इज रेलेवेंट और नॉट, वो जो जॉब एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है या नहीं है, तो वो सब चीजें आप जज करेंगे दैट वुड बी मच बेटर. पर्सनालिटी जज करके यू कैन नॉट. अच्छा सर, इंटरव्यू जो कैंडिडेट हैं वो तीन किस्म के आते हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं शार्प, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट. आप क्या समझते हैं कैसा बंदा कैंडिडेट जो आपके लिए आइडियल हो टू हायर हिम फॉर जॉब? देखिए, आपको मिक्सचर चाहिए होता है जो ब्लेंड हो सके आपके कल्चर में, एनवायरमेंट में, और स्किल्स भी हो, स्किल सेट भी उसके पास हो जो हमें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो चल सकता है. अगर एवरेज है बट अगर आपको उसमें लगता है कि ही हैज सम स्पार्क टू लर्न, तो आप उसको ट्रेनिंग्स के थ्रू थोड़ा बहुत ट्रेन करके उस लेवल तक ले आते हैं. ओवर कॉन्फिडेंट अगर है वो, अगर आप यू कैन नॉट बी अ जैक फॉर ऑल ट्रेड्स, तो वो फिर काम नहीं कर सकता. और जो खुद से ये माइंड सोच कर आए कि आई नो एवरीथिंग, क्योंकि उसकी फिर एडाप्टेबिलिटी और उसकी लर्निंग, उसका माइंड ब्लॉक होता है कहीं पे, उसको ब्रेक करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है. बिल्कुल ठीक. तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंट, आप एवरेज को ले लें, आप उसका डेवलपमेंट प्लान बनाएं, उसको ट्रेनिंग से साथ अपने एनवायरमेंट में करें, उसको आप he will give you the good results. जिसमें I think attitude बंदे का अगर सही है तो you can hire them. अगर skill में थोड़ी कमी है you can train them. वो training बड़ी अच्छी लेगा फिर. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मेरा सवाल भी कुछ इस तरीके का था कि अगर बंदे का attitude, उसकी personality, तो उससे भी काफी चीजें आपको judge करने में easy होता होगा, नहीं? और same question मेरा नौरीन से भी है, जब कोई भी आपके पास clients आते हैं तो उनके एटीट्यूड से भी आप पहचान जाती होंगी कि इनको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है. देखिए जी, एक तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वी टीच सेंसरी एक्यूटी, होता है कि एटीट्यूड में, फिजियोलॉजी में जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो किस तरह से बैठे हुए हैं, ब्रीदिंग किस तरह से कर रहे हैं, चेहरे का जो तासुरात हैं वो कैसे हैं, वी डू इंक्रीज दैट. एक होता है ना कि आपको समात आपकी बढ़ाते हैं कि जी आप ऑब्जर्व बड़े अच्छे से कर सकें. नेवर द लेस वी डू सम हाउ कैन सी एंड रिव्यू क्यों जी एनर्जी कैसी चल रही है इंसान की, कितना जो है वो शोक और मजबूती के साथ जो है वो जिंदगी जी रहे हैं, या वो जो है जरा एक होता है ना करंट कम आ रहा है उनका, वो ऐसी बात समझ लें आप. लेकिन हमारी स्टडी में हम एक बात ज़रूर एक कहते हैं अपने प्रैक्टिशनर से कि जी सवाल करें, जो क्लाइंट जवाब दे उस हिसाब से आगे लेकर चले, उसे अपनी माइंडसेट जो है उसके ऊपर जो है वो इम्पोज ना करें. हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है. नौरीन साहब से हम बात को कंटिन्यू रखें. आई असा जो जबरदस्त तरीके से ही शो ब हली रहे हो आए, आई खास तौर से आज नौजवान लाए शो आहे, आई नौजवानन जो शो आहे, आई नौजवानन के मोटिवेट करण जी गाल थे पई, आई जुन सा गद गद सा टपाल मेज़बान जबरदस्त तावन कर रहे हो आहे जी इम्तियाज. टपाल मेज़बान आहे सिंध जी नंबर वन चाय, सिंध जी मेज़बानी जो राज आहे टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान जो जायको खुशबू ऐं रंग, टपाल मेज़बान जी कैंपेन आहे जश्न जमालो, ऐं अगर अहीं बि हिन जश्न जमालो जे ज़रिए कीमती इनामात खटण चाहियो था त पोइ अवां पंहिंजे घर जे वेझो स्टोर तां उन जो पैक ख़रीद करे उन मथां ॾिनल कूपन ते पंहिंजी डिटेल्स ॾेई करे पंहिंजे घर जे वेझो ड्रॉप बॉक्स में विझी अवीं शामिल थी सघो था उन्हनि कीमती इनामात में जेके अव्हांखे मिलनि पिया जश्नी जमालो टपाल मेज़बान जी तरफ़ खां. सिंध जी शान आहे टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान खणी आयो आहे मेज़बान जश्ने जमालो टीवी शो अवां जे पांजे शहरन में. शहर आहिन नवाबशाह, मोरो, सखर, लाड़काना, घोटकी, जेकबाबाद, दादू ऐं खैरपुर. जी त दोस्तो, अवां जे शहर आहिन सखर, लाड़काणो, मोरो, दादू, बदीन, हैदराबाद ऐं लाड़काणो. तयार रहणो आहे अवां खे ऐं असां खे तयार रहणो आहे गाने जे लाइ. जी बिल्कुल, हाशिम भाई जो कलाम ॿुधंदासीं. ज़बरदस्त, कहिड़ो कलाम आहे हाशिम भाई हींअर असांजे लाइ? वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी कुछ पता नहीं.
आया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं तेरे जैसा कोई हम को मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा बहुत पर दिल लगा मुल्क में छापियो थे थोड़ो पान उन्हें खबरों के जरूर शामिल कंदासी। दोस्तों मुल्क में आम चूंडू वेझो ईंदे ही चूंड सरगर्मियों तेज थी वो पीपल पार्टी अज पेशावर में अवामी ताकत जो मुजाहरों कर तैयार पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे के खिताब कंदो मुस्लिम लीग नून जो कायद नवाज शरीफ आई सदर शहबाज शरीफ अज पार्टी जो मंशूर पेश कंदा। बिल्कुल मुहिम तेज थी चुकी है मुख्तलिफ पार्टियों पैं मंशूर भी अगते खड़ी अची रही मैदान पान मल्हायण लाए बिल्कुल तैयार हैं। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो आम चूंडू वेझो हैं पर नून लीग अजा तीन मंशूर ना दिनों इन खबर ही ना है तो कामयाबी मारण का खेन करण वो जो गाल कई लीगी अगवाण टिन ढीन का वरजाइंदा 8 फरवरी से तीरन की वसकारे से शींह जो शिकार किया वो पीपी चेयरमैन जो एक भेरो बीहर मुस्लिम लीग नून की कायद के मनाजरे जो चैलेंज चवे तो आलमी सतह से सदारती वजारत उज़्मा जा उम्मीदवार पीटीवी से थींदड़ मुबाहिसन में हिस्सों वठंदा आहिन। नवाज शरीफ 8 फरवरी का पहिरियां कंहिं बि वक्त ऐं कहिड़े बि हंधि मनाज़रो करे। नाज़रीन इहे आहिनि पार्टीज़ जूं ॻाल्हियूं ऐं हर पार्टी कोशिश में आहे त असीं मैदान खे मल्हायूं ऐं पंहिंजो पाण मञायूं। ॾिसजे इहो थो त अवाम कहिड़ी पार्टीअ खे पसंदि थो करे ऐं अवाम कहिड़ी पार्टीअ खे असेंबलियुनि ताईं पहुचाए थो ऐं पंहिंजे हक़नि जी घुर करे थो। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि दोस्तो पीपल पार्टीअ जे विज़न तहत अवाम जे ख़िदमत खे अहमियत ॾिनी आहे। ॿोॾि हुजे कोरोना हुजे या बरसाति जूं तबाहकारियूं असां सदाई अवाम सां गॾु बीठल रहिया आहियूं। बरसातुनि दौरान पीपल पार्टीअ जी हुकूमत माण्हुनि खे राशन फराहम कयो आहे। उमेदु आहे त अवाम हिन भेरे पीपल पार्टीअ खे वॾी अक्सरियत सां कामयाबु कराईंदो। पीपी अगवान शर्जीलना मेमण जो टंडे जाम जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कॉर्नर गॾिजाणियुनि खे ख़िताबु
आमद के मौके से शर्जील इनाम मेमण की शानदार आजियाँ मथस गुलन की वर्खा कई वही। दोस्तों जी मूँ चाहो थे हर जिले में हर शहर में हर कुंड कुर्छ में जेके भी उम्मीदवार वेठल बीठल जेके अवाम की खिदमत करना चाहन था उ पान मल्हाइन था उन्हें कोशिश है तो भरपूर तरीके से उसे कामयाब थन मुखालिफ जेका पार्टी है उनके धक् रसाइन दिसो यो है तो यह कामयाबी या शिकस्त या मेहनत जोश जज्बो किथे पहुँचे तो खास तौर पर अवाम लाए कड़ो मंशूर रखन था उहो बि पाण शामिल कंदासीं सवा। मूंखे ख़बर आहे तव्हां इन ख़बरुनि खां ॾाढो बोर त थींदियूं आहियो पर छा कजे मूंखे ॾाढो पसंदि आहिनि ऐं नाज़रीन खे बि तव्हां ॿुधायो हिकिड़ी आख़िरी ख़बर पाण हिकिड़ी आख़िरी ख़बर शामिल कंदासीं ऐं उन खां पोइ पाण वरी जेको आहे सो इन खे वाइंड अप कंदासीं पाण प्रोग्राम न हलंदासीं। कराची में बरसाति जो बि इम्कान आहे ईअं ॿुधे पियो ॿुधण में अचे पियो ऐं इन खे बि पाण ॾिसूं था। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि में वाधि बरक़रार। पेशावर में बरसाति सबबि थधि में अञा बि इज़ाफ़ो थींदो। पेशावर में घटि गर्मी पद 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। के पी जे मैदानी इलाइक़नि में बि बरसाति जी अघ थी। कोइटा में गर्मी पद 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मकरान जे सामूंडी इलाइक़नि में अॼु हल्की बरसाति जो इम्कान। कराची में 24 कलाकनि दौरान मौसम थधी ऐं ख़ुश्क रहंदी। कराची में घटि गर्मी पद 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोइटा ज़ूब ज़ियारत चमन बरखा खाम बरसाति जो इम्कान। बलूचिस्तान जे जाबलू इलाइक़नि में बि बर्फ़बारीअ जो इम्कान। मिस नोरीन बड़ा देख रही है तजस्सुस से यार कौन सी खबरें शामिल की जा रही हैं। समझ में नहीं आई होगी लेकिन नहीं, समझ नहीं, नहीं, नहीं दोनों को ही समझ आई होगी। बट विवेश के कराची में बारिश हो जाए बारिश वाली बात तो सबको समझ में आई होगी। अगर बारिश ना भी हो तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो सकता है। कल रात से वैसे ही मौसम ठंडा हो गया है ना तो वो लग रहा है कि हाँ बारिश होने वाली है। अच्छा एकड़ो भी असा वट जबरदस्त सेशन हुंदो आए हूं असा जब बई जे मेहमान आए हो एचआर में आए नहीं जी एनएलपी ट्रेनर आए मानन का सवाल पूछना आए नहीं मानन के थोड़ा परेशान करना आए नहीं आज वरी पानी में सवाल करे असा के परेशान करना सी दिसदासी ते केतरे पानी में है दिसौंगा सो केतरा नंबर फायर समझ में आया मुझे समझ में आ गया ना। अगर आपने आपने ट्रॉफी जीतनी है और इनाम जीतना है तो सर प्रेजेंट माइंड होके ना जी लेकिन ये जब सवाल के जवाब आप दे देंगी तो उसके बाद विल शो दैट। चलें जी देखते हैं। ठीक है तो हम लोग रैपिड फायर की तरफ जाते हैं जी। एनएलपी ट्रेनर मतलब जो प्रोफेशन में आप हैं अगर वो ना होती तो क्या होती उसके अलावा? मैं अगर होती बहुत सारे हैं मैं या तो एस्ट्रोनॉट होती या फिर मैं व्लॉगर होती या फिर मैं मेकअप एक्सपर्ट होती। वाह भाई वाह। आपसे सवाल अगर 10 करोड़ आपके लॉटरी में निकल आए तो क्या करेंगे उनका? वो तो है ऑलरेडी यार वो तो है। लॉटरी निकली है क्या आपकी? लॉटरी नहीं निकली है बैंक में इतने रखे हैं। अगर आपको ऐसी मिल जाए 10 करोड़ तो आप अगले ही दिन का क्या करेंगे? किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। क्या बात है ओके बिजनेस माइंड। हां जी डिस्क्राइब योर जॉब इन अ मूवी टाइटल। इन अ मूवी टाइटल यस बहुत ये टाइम दिल चाहता है और होती है 20 to 30 स्पेंड मनी ऑन अ ड्रीम होम या यू वांट टू ट्रेवल बोथ नहीं कोई एक, एक या आपको घर बनाना है या आपको बस घर नहीं बनाना बस ट्रैवल ही करना है पैसे बचाने ही नहीं है ड्रीम होम गुड घर होना चाहिए यार जी मुझे ये ट्रैवलिंग की जो आजकल ये ट्रेंड चला है ना आई हां ठीक है ये व्लॉगर्स को जरा सूट करता है मतलब व्लॉगर्स को सूट करता है। अच्छा वैसे आजकल सभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं आजकल तो वाकई ट्रेंड बना हुआ है। हां अच्छा माय डेवलपमेंट हैज बीन सर हमने काम के लिए बहुत ट्रैवल किया है तो इट्स लाइक कि नहीं अब कहीं और नहीं जाना मुझे और मैं जिन लोगों के साथ कभी ट्रैवल पे गई भी हूँ वो बिल्कुल असाइनमेंट की तरह जाते हैं आज हम इन 10 जगह जाएंगे। चलिए एक बहुत टफ शेड्यूल होता है आपका भी ऑफिशियल आप जब भी ट्रैवल गए बहुत टफ शेड्यूल होता है। सर आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हो कोई वजह? जस्ट फॉर जॉब। जॉब के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल किया जी। अच्छा व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी इन विंटर्स? विंटर्स में टू स्टे एट होम। Stay at home, okay. अच्छा जी। कोई ऐसी तारीफ आपके किसी ने की हो जो आपको अब तक याद हो?
मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मुझे याद रहता है ना, और मेरी जिंदगी में अप्लाई भी हुआ है। एक शख्स ने मुझे, हम लोग साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक जुमला ऐसे ही बोला, नौरीन तुम ना जिंदगी में बहुत आगे जाओगी। अरे वाह क्या बात है भाई। और वो मेरे ऐसे ही दोस्त साथ काम करते हुए मजाक में नहीं बोल देते, नौरीन तू एक दिन ना बहुत आगे जाएगी। वो इट इज स्टेड इन माई माइंड एंड आई थिंक आई समटाइम्स ना अकेले बैठ के आई थिंक अबाउट दैट यार, वो उसने सही कहा था, वो सही बोल रहा था। मोटिवेशन भी होता है, मोटिवेशन एग्जैक्टली। और जब आप कहीं पहुंच जाते हैं फिर आपको समझ में आता है वाकई उस बंदे ने सही कहा था। मैं ये सोच रही हूं और कितना आगे, क्योंकि फॉर मी इन माय माइंड इट्स लाइक ऑलवेज मोर, कहीं पहुंच गए आप से भी पूछेंगे। जी 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 के, अच्छा हां जी, यही सवाल चले जी। किसी ने कोई तारीफ कर दी और आपको इसी टाइप की चीजें लोग बोलते हैं, स्पेशली प्रोफेशंस को, कि यू आप बहुत तरक्की करोगे, आप बहुत आगे जाओगे, वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। That gives you the motivation. Sir, to keep going. एक लाइन में आपने जवाब देना है, जिस लेवल पे आप हैं इस लेवल तक हर बंदे का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, जिस तरीके से मिस नौरीन का बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रही है घर पे बैठ के, और माशाल्लाह बड़ा एक्टिव रहते हैं सोशली, अल्लाह पाक ने इनको सलाहियतों से जो है ना नवाजा है। आप एक लाइन में जवाब दें, कौन सी चीजें हैं जो आपको इस लेवल तक पहुंचाएंगे? देखिए मेन चीज आपका फोकस एंड हार्ड वर्क। आप फोकस करके जब हार्ड वर्क करते हैं उसके ऊपर, देन फिर आपको ऊपर से भी हेल्प मिलती है। बिल्कुल ठीक है। नौरीन साहब से मेरा सवाल, व्हाट काम्स यू डाउन व्हेन यू आर लाइक टू मच स्ट्रेस्ड? मैं अपना आखिरी काम देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं जाके जो है वो लेट जाती हूँ और सोते सोते उसकी प्लानिंग करती हूँ। दैट काम्स मी डाउन, टेक अ डीप स्लीप। एक सवाल अदनान साहब, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बगैर किसी वजह के परेशान बैठे होते हैं, आप समझते हैं कि यार मैं बिल्कुल फारिग बैठा हुआ हूँ ना, फारिग तो नहीं बैठे कौन सा काम स्टार्ट करते हैं? फिर कुछ नहीं करते, बंदा मायूस हो जाता, फिर कुछ नहीं करते, जस्ट कीप द शटर डाउन, आपका लैपटॉप दुकान सब बंद करें और देन हैव सम डीप स्लीप। दुकान बंद कर देते हैं, सही है, गुड हो गया। अच्छा, गो टू द कॉन्सर्ट और स्पोर्टिंग इवेंट, दोनों में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए? I'd rather choose a concert. Sporting event पे डिपेंड करता है which one is it? Okay. सर आपसे एक सवाल। जी। अभी तो सवालों के अंबार हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, अभी तो आगे जाना है। सर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो सोने से पहले रोजाना करते हो? वॉक। ग्रेट भाई, बहुत जबरदस्त। और सवाल नहीं है मेरे पास, बस सवाल मेरे खत्म हो गए। आप दोनों से ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं रिपीट भी कर रहा होता हूँ काफी दफा ना, येलो कलर का मुर्गा है उसने अंडा दिया है, देसी मुर्गा येलो कलर का अंडा है, उसमें चूजा निकलेगा मेल या फीमेल? जवाब सुन ले एक दफा, सुन ले। मैं इसका जवाब बता दूं, आप मैं ये कह रहा हूं, ये आपकी कहानी कौन सी है जिसमें मुर्गा भी अंडा दे रहा है? सुनते थे दीवार पे मुर्गा बैठा उसने अंडा दिया, वो नीचे गिरेगा टूटेगा या नहीं टूटेगा? बिल्कुल सही, आज हमें पता चल गया कि जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए, जो गेस्ट बैठे हुए, वो भाई स्मार्ट माइंड है और इस लेवल पे तभी तो पहुंचे। एक जीएम एचआर जो दूसरों के इंटरव्यू लेते हैं, और एक जबरदस्त हैप्पी सैटरडे, हैप्पी सैटरडे, उन सां गद गद जबरदस्त मेहमान असां नई नौरीन खां मां इहो सवाल पुछंदी हलंदम कि जब लोग आपके पास आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स आते होंगे आई गेस, ऐसे ही है ठीक है, ऑल एजेस वैसे तो, हाँ वैसे तो, लेकिन ज्यादातर अगर जब यंगस्टर्स आते हैं स्पेशली जेन जी या फिर मिलेनियल्स, तो उनके जेन जी और मिलेनियल्स के क्या इश्यूज होते हैं, क्या उनको चैलेंजेस आजकल फेस कर रहे हैं वो लोग? अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो वो तो अब अपनी करियर वाली एज में चले गए हैं, वो लाइफ इज हिटिंग देम नाउ, उनके इश्यूज भी बताएं, लेकिन जेन जी की स्पेशली जेन जी जो हमारी है ना ये जनरेशन, उनके क्या इश्यूज हैं? आई वुड से मिलेनियल्स के इश्यू क्या रहे हैं कि जो उनसे भी सीनियर लॉट है उसके साथ अलाइनमेंट, दैट्स देयर बेसिक इशू, जो उनके घर में भी इशू रहे हैं माँ बाप के साथ अलाइनमेंट, क्योंकि सोच बहुत मुख्तलिफ रही है। और जेन जी का अगर हम देख लें, जेन जी के हवाले से, जेन जी के पास ना जवाबात नहीं है, उन्होंने खुद कुछ बना लिया है और वो अपनी ही दुनिया जो है वो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो आउटपुट वो ढूंढ रहे हैं उसका इनपुट क्या कर रहे हैं उन्हें, वो बस कह रहे हैं कि मुझे ये आउटपुट दे दो, इट्स मोर लाइक कि मुझे गोल्ड मेडल दो तो मैं भागूं। वन ऑफ माय मेंटर्स एक्चुअली यूज्ड टू से दिस कि भाई रेस जीतोगे तो गोल्ड मेडल दूंगा ना, ये मुझे गोल्ड मेडल तो दो फिर मैं भागूं वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता।
सो और आई वॉज एक्चुअली अर्ल नाइटिंगेल का जो है एक अगर आप लेक्चर्स भी सुने सो इट इज़ अबाउट के यू अर्न मनी आफ्टर यू बिकम सक्सेसफुल मनी कम्स आफ्टर यू बिकम सक्सेसफुल तो पहले सक्सेसफुल बनते हैं क्योंकि हम एफर्ट करते हैं दैट इज समथिंग दैट आई सी मिसिंग इन द जेन ज़ी नाउ क्योंकि दे वॉन्ट रियली नाइस कल्चर दे वॉन्ट द फैमिली टू कम्प्लाई विद दैम माँ बाप जो है वो वैसा इन्वायरमेंट उनको दे दें जो उनको चाहिए लेकिन अभी तक उनको वो कोई एक वो नहीं मिल रहा एक वे आउट कि ठीक है मुझे जाना कहाँ है या उनको अभी सीख नहीं मिली कि जी चीजें होती कैसे पाए तकमील तक कैसे जाएंगी मुझे ऐसा लगता है इसमें हमने परवरिश में भी कमी छोड़ी है अगर कहीं अगर परवरिश में कमी ना भी हो तो मेरा ख्याल है वो सोशल मीडिया ने काफी उन पे ऐसे इम्पैक्ट डाल दिए हैं या लेकिन आप इसमें ये भी देखें ना कि जेन ज़ी में ही सोशल मीडिया को ही देख देख के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हैं या जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं बैठ के जिम्मेदारी उठाए हुए हैं दे आर अर्निंग एंड वीलॉगिंग भी कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं कॉन्टेंट डेवलपमेंट पे यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइंड सेट्स इन जेन ज़ी हैविंग सेड दैट बस ये है कि सीख कहाँ से रहा है बिल्कुल वो जगह कौन सी है जहाँ से वो सीख रहे हैं और उनको फीड किया जा रहा है सर अदनान साहब सक्सेस की बात हुई मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन होगा बीइंग एन जीएम एचआर खास तौर पर यंग जो एकेडमिक्स के बाद अप्लाई करते हैं जॉब के लिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू में पास होना सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स देंगे देखिए इसमें दो डिफरेंट बातें एक तो अगर आप फ्रेश की बात कर रहे हैं आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन की रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है ठीक आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी उसमें रेलेवेंसी है या नहीं अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं और आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें इट डजंट वर्क तो आपकी रेलेवेंस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है फिर जब आप कहीं से आपको स्टार्ट लेना होता है हमारे यहाँ भी जैसे जेन ज़ी की बात हुई हमारे ड्रीम्स बहुत हाई हैं आपको स्टार्ट ही 100,000 सैलरी चाहिए व्हाट अबाउट दोज हु आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम तो आपको कहीं ना कहीं से एक इनिशिएटिव लेना है तो हमें अपना माइंड सेट अपने गोल्स सेट करके उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें चलना चाहिए फिर अगर एक्सपीरियंस लोगों की बात करें तो भी उसमें काफ़ी चीज़ें फैक्टर इन होती हैं उनका एक्सपीरियंस उनकी एजुकेशन फिर आपका जियोग्राफिकल आप कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं इन्वायरमेंट है उसका कल्चर है उसमें आप बेस्ट फिट हैं या नहीं है तो ये सब चीज़ें देख के आपको करना होता है जब सब चीज़ें मैच कर जाते हैं देन यू विल बी सक्सेसफुल फिर वही आपको अपना एक फोकस पॉइंट बनाना है एंड यू हैव टू हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल्स बिल्कुल ठीक एक और सवाल एक बंदा जो जॉब हासिल कर लेता है जॉब के बाद भी वो एक्सेल नहीं कर पाता उसके पीछे रीजंस क्या हैं एक सवाल दूसरा सवाल ये जॉब हासिल करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल करने के लिए की फैक्टर्स की पॉइंट्स क्या हैं देखिए दोनों रेलिवेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको एक जॉब मिल गई है और आपकी एक पर्टिकुलर जेडी है उसमें आपकी KPIs हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फिर वो टाइम बाउंडेड भी हैं आपने उसको फिर वही जो हमने पहले बात की थी आप माइलस्टोन सेट करके आप उसको अचीव करते हुए चले नहीं करेंगे अगर आप रूटीन के साथ बस आए सुबह काम किया शाम में चले गए यू विल नॉट सक्सेस सिंपली बोलें तो दिहाड़ी लगाएं दिहाड़ी लगा लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा आप कुछ नया करेंगे अपने कुछ पैशंस क्रिएट करेंगे कुछ मोटिव्स बनाएंगे आपके कुछ हायर्स होंगे कि सुबह आप उठ रहे हैं कि आपको आज क्या अचीव करना है आप कुछ ना कुछ टेंजिबल करें डेली कुछ ना कुछ जबरदस्त तो आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस बिल्कुल ठीक मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे हम आप लोग हायर करते हैं लोगों को यंगस्टर्स को उसके बाद क्या ऑफिसेस में हमारी जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में क्या उनको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं वहाँ कंपनीज में डेफिनेटली होती हैं हम तो काफ़ी क्योंकि वी आर इन टेक्सटाइल सेक्टर तो वी हायर फ्रेश टेक्सटाइल इंजीनियर्स फिर उनका एक पूरा एक ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है 6 months, 1 year अब इट डिपेंड्स के स्टूडेंट के अंदर अपना कितना हाउ ही और शी इज पैशनेट टू लर्न एंड टू ग्रो अब उसमें भी वही वाली बात कि अगर कोई इसी उससे आया कि मैं खुद ही बस मुझे ऑर्गेनाइजेशन अब लिफ्ट करते रहे जैसे रैंकर्स होते हैं तो उसको बहुत टाइम लगेगा कुछ ऐसे भी होते हैं 6 months में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को उसमें एक स्पार्क होता है वो लर्न करके चीजों में आगे बढ़ते चले जाते हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंड वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मेंटोरशिप हो रही होती है बिल्कुल ठीक किसी को अपना एक मेंटोर बनाएं किसी को आइडलाइज करें और फिर उसको आप लेकर चलें मतलब अपने उस कंपनी में सराउंडिंग में किसी को मेंटोर बना लें किसी से हेल्प ले लें और फिर अपनी जो है अपॉर्चुनिटीज आप में लर्निंग की कुछ स्पार्क होना चाहिए इफ यू वांट टू लर्न देन यू कैन गो मिस नोरिन
उठो खाओ पियो सो और जियो, इस तरह की थिंकिंग रखने वाले लोगों के लिए आपके क्या ख्याल आते हैं? वो खाओ पियो उठो सो और जियो, वो दुआ करते रहे बस के कोई उनको एक गार्डियन मिल जाए बस क्योंकि उठो खाओ पियो और सो जाओ ये जिंदगी नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी में इस तरह के लोगों की कितनी परसेंटेज है? आई वुडंट से कि मैं किसी को जज नहीं करूंगी ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर कोई जो ना भाग तो रहा है, भाग रहा है, और अगर अगर ऐसी सोच रखने वाला कोई है ना, जिंदगी बहुत जल्द उसको ऐसे मुकाम पर ले जाती है कि उसको घसीटती है फिर आगे। वो खुद उठ के फिर उसे समझ आ जाता है कि अब जिंदगी मुझे घसीट रही है, एंड दे फाइंड देमसेल्व्स इन सिचुएशंस कि फिर उनको एफर्ट लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं, लेकिन जो हमने जिस टॉपिक पे बात की उनका फैसला जिंदगी लेती है। यस, ऐसे ही ये बात है ना, चूज एफर्ट बिफोर एफर्ट चूजेस यू। क्योंकि अगर इफ यू चूज एफर्ट, अगर आपने एफर्ट को सेलेक्ट कर लिया तो आसानी है, अगर एफर्ट ने आपको चूज किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तकलीफ दे एक एक्सपीरियंस रहता है इंसान। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि हमारी मेहनत ज्यादा होती है हमारे हिस्से में, हमारे सक्सेस में, या हमारी लक होती है? देखिए, द स्कूल ऑफ थॉट दैट आई कम फ्रॉम, लक इज समथिंग दैट हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, गाड़ी अगर चली आगे तो ठीक है, नहीं चली आगे मेरा नसीब ही खराब है। हाँ। ये तसल्ली हम दे देते हैं और हम कह देते हैं अल्लाह की मर्जी, लेकिन अल्लाह ने भी कहा है। हाँ। अभी अल्लाह की मर्जी के साथ साथ हमारे पास अल्लाह की एक हिदायत भी है कि जी तू मांग मैं दूंगा। हाँ। लेकिन सिर्फ मांग नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी बड़ा जरूरी है कि जी मांग रहा हूँ मैं उसकी जानिब बढ़ कितना रहा हूँ। आई थिंक अगर लोग ये क्लैरिफाई कर ले अपने जहन में, दे कैन एक्चुअली मूव अहेड एंड स्टार्ट अचीविंग व्हाट ऑल दे वांट। तो अभी इनकी बात पे मुझे वही बात याद आ गई कि उठ और घर से निकल तो मंजिल को पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। लक का फैक्टर तो है, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना है। सही। और लक का अगर मैं एक बात कर सकूं, लक इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी जो भी है आसपास आपके, कितने प्रिपेयर्ड रहे आप टू अचीव दैट, टू बी एट द सेम लेवल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर हम अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सब जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, बस ये कि हमने अपने आप को लिमिट किया हुआ है, हमने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया है। इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, बाय ऑल मींस यू अपॉर्चुनिटीज विल फाइंड यू, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढ लेंगी। बिल्कुल सही। सर अदनान साहब, हम सालों साल गुजार देते हैं, अभी रिसेंटली हमारा एक साल नया स्टार्ट हुआ, 2024-23 गुजार दिया। अदनान काजी साहब बीइंग एट GMHR, क्या गोल सेट करते हैं वीकली, डेली, मंथली, ईयरली? डेफिनेटली आपको ईयरली गोल सेट तो करने होते हैं, थोड़ी मजबूरी भी होती है आपको, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी चलना है, आप उनको फिर अचीव कर रहे होते हैं, तो उसी को आप डिवाइड करते हैं पोर्शन, फेज आउट की जो हमने बात की थी, आप फेजेस में ले जाते हैं कि क्वार्टरली आपको क्या करना है, या सिक्स मंथली बेसिस पे क्या करना है, मंथली क्या करना है, फिर उसी से आपके डेली बेसिस की चीजें निकल रही है। बिल्कुल जबरदस्त। मिस नौरीन, आपसे भी मेरा एक बहुत तेज तरार सवाल है, लेकिन सवाल हैप्पी सैटरडे आई भली कार आई जबरदस्त असां वट टपाल मेज़बान तावत कर रहे हो आहे असां जे प्रोग्राम में त जी इम्तियाज आवा सबनी सरन के साथिन खबर आए टपाल मेज़बान आहे सिंध जी नंबर 1 चाय सिंध जी मेज़बानी जो राज आहे टपाल मेज़बान। टपाल मेज़बान जो खूबसूरत रंग, जायको ए खुशबू टपाल मेज़बान जी कैंपेन आहे जश्न जमालो। आई अगर जश्न जमालो जी कीमती इनामात में अमी हिस्सो वठण चाहियो था तो अवां पे जे घर जे वेजो स्टोर ता उने जो पैक खरीद करे, पैक मथा दिनल कूपन ते पंज डिटेल दर्ज करे, घर जे वेजो दिनल ड्रॉप बॉक्स में विझी करे अमी शामिल थी सगो था। टपाल मेज़बान जी दिनल कैंपेन जश्न जमालो जी तरफा कीमती इनामात हासिल करण जो जबरदस्त ऐं सिंध जी शान टपाल मेज़बान। टपाल मेज़बान खणी आयो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो अव्हां जे पंहिंजे शहरनि में, शहर आहिनि नवाबशाह, मोरो, सखर, लाड़काना, घोटकी, जेकबाबाद, दादू ऐं खैरपुर। वाह भई वाह, अव्हां जे सभिनी शहरनि में टपाल मेज़बान अची रहियो आहे ऐं अव्हां जे शहरनि में रंग मचाइण, मैदान मल्हाइण अची रहियो आहे, अव्हां खे बि तयारु रहणो आहे। मिस नौरीन, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, एक सवाल सर से भी मैंने किया, और हर बंदे का मोटिव होता है, एक मिशन गोल सेटिंग होती है, हर बंदा अपने गोल सेट करता है, बीइंग एन एनएलपी ट्रेनर अपने आप को भी ट्रेन करती हैं। जी जी, सिर्फ ट्रेन नहीं, इट्स आल्सो अबाउट कोचिंग, बिकॉज कोचिंग इज अ फिनोमेना,
हर इंसान के पास एक कोच जरूर होना चाहिए और अपनी आप I have my coaches. नहीं 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 अच्छा I train myself, I keep myself on discipline. लेकिन it's very necessary that हम ये भी एक बात कहते हैं mental health के हवाले से अगर मैं कहूँ every therapist needs a therapist. Every coach needs a coach. तो और ऐसे कोच के पास तो जाना भी नहीं चाहिए जिसके पास कोच नहीं है अपना. वो अपने ऊपर कितना काम करते हैं मैटर करता है. एंड इफ आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ आई हैव माई बिजनेस कोच आई हैव माई इमोशनल हेल्थ थेरेपिस्ट द कोच एंड ऑल्सो somebody who keeps me on my goals as well. So wo ek hota na ki you tally ki theek hai maine kitne milestones achieve kar liye, all of those things. And if I can talk about jo aap goal setting ki bhi baat kar rahe hain ki aapne jo sawal Adnan se bhi pucha tha ki 2024 mein, so the goal for myself and the company is ki hum NLP trainers training jo hai wo Pakistan mein inshallah launch karenge. Acha Adnan sahab se mera ye sawal hai ki jaise kafi youngsters aate hain aur kafi log aate hain companies mein, aap तो देखते ही होंगे कितने मसले लेके आते हैं, पीछे बहुत कुछ छोड़ के आते हैं, ऐसे ही है, तो वो काम पे शायद फोकस नहीं कर पाते होंगे. तो आपको पता चल जाता होगा कि भाई अब थोड़ा यू नो एफर्ट में थोड़ा लैकिंग है. तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे काउंसलर्स होते हैं कंपनीज में, ऐसे NLP ट्रेनर्स होते हैं जो फिर हमारे यंगस्टर्स को, हमारे यू नो पूरे उस ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनको ज़रा काउंसिल करें. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा मसले लेकर आते हैं तो मसला तो उसी के साथ होता है, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम की एक सलूशन है. ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में पूरे सिस्टम्स होते हैं टू हैंडल द ग्रेवियंसेस. हर एक का कुछ ना कुछ होता है. फिर उसके अलावा कंपनीज काम कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें उनकी चीज़ें. और वेन यू वर्क विद अ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर SOPs इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको इतने रूटीन इश्यूज नहीं आते. आप एडहॉक अगर काम कर रहे होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिर जब पर्सनैलिटी ड्रिवन आप काम कर रहे होंगे ना, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती और फिर वहाँ के लोग भी ज़्यादा ग्रो नहीं करते. व्हेन यू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे विद फॉलोड बाय प्रॉपर SOPs एंड द सिस्टम्स, देन इश्यूज बहुत कम होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट आप लोगों के इश्यूज को भी रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उनके डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, एंड पीपल वुड लव टू वर्क विद यू. अच्छा, एज अ HR आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं व्हेन पीपल कम टू यू फॉर हायरिंग? डेफिनेटली. देखिए, हायरिंग के टाइम पे तो काउंसलिंग का इतना वो टाइम नहीं होता, बट व्हेन समवन एम्प्लॉयड तो फिर उसके बाद अगर उसको किसी चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटोरशिप की मेनली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं उनको प्रॉपर मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो उनकी पूरा असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको रूटीन बेसिस के ऊपर कुछ ट्रेनिंग्स कोचिंग कर रहे होते हैं. नौरीन नबी का कोचिंग बहुत ज़रूरी है और वी हैव टू अपडेट योरसेल्फ. मैं छोटी सी एक बात और मैं अगर ऐड करूं, काम सिखाने वाले ना मिल जाते हैं, सीखने वाला होना चाहिए. बिल्कुल सही बात की. मिस नौरीन, आपसे एक सवाल. काफ़ी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस चल रही होती हैं जहाँ पे हमारा कोई भी ना तो किरदार होता है ना हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम अपने दिमाग के ऊपर उस सिचुएशन को बोझ रख के चल रहे होते हैं. उस बारे में आपका क्या ख्याल है, वो सिचुएशन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक इंसान खुद और एक उसके आसपास का गिरदोनवा का एनवायरनमेंट. अब अगर मैं एनर्जेटिकली बात कर लूँ, इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है और एनवायरनमेंट की भी होती है. जैसे एनवायरनमेंट की एनर्जी के बराबर इंसान रहता है तो वो तो अलाइंड रहता है, ठीक है. और जैसे इंसान की एनर्जी कम हो जाती है ना, उस वक्त एनवायरनमेंट नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है. अब इसमें कोई भी हो सकता है, एक बॉस जो कि आपको मुश्किल लगने लगे, या घर के लोग रिश्तेदार मुश्किल लगने लगे, या ज़िंदगी की हकीकतें जो है वो, या महंगाई ज़्यादा हो जाए और मुश्किल लगने लगे. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना एनर्जी सिस्टम कितना मेंटेन करें कि आप एनवायरनमेंट तक लेकर आएँ और उससे ऊपर जाएँ. लेकिन इफ़ आई कैन टॉक अबाउट रियली, लोग अगर बोझ रख कर चलते हैं, दे डिवेलप द सैडनेस, और अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो डिप्रेशन की तरफ भी जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्टक सिचुएशन में इंसान जाए तो दे शुड एक्चुअली कॉल अप अ कोच, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फंक्शनैलिटी ही लिमिट हो गई है, दे शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट. बिल्कुल ठीक. इसमें बैलेंसिंग बहुत जरूरी है आपकी दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. बिल्कुल ठीक. जबरदस्त. मिस नौरीन साहिबा, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया. सर अदनान साहब, आपने माशाल्लाह दोनों ने बहुत जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया. होपफुली व्यूअर्स को आज का शो बहुत जबरदस्त पसंद आया होगा, कुछ इंटरएक्टिव क्वेश्चन से, कुछ जो है वो यूथ से रिलेटेड क्वेश्चन से. इंशाल्लाह होप फॉर नेक्स्ट मीटिंग एंड नेक्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ यू बोथ. अब हम चलेंगे
कहां सवाली हाशिम भाई ने पर उन्हें का पहरियो जी असा नाजरीन का नाजरीन के मायो जरूर चण चाहिंदम जेके सवाल जवाब असा जो कवर थी विया हन उम्मीद आए तो डाढ़ा हेल्पफुल थे हूँ अवहाँ की लाइफ में अवहाँ के करियर लाए पर अगर कुछ रह जी वह हो फेसबुक ते यूट्यूब ते असा पूछी सको था असा उते हाजिर आई हूँ बिल्कुल ये है दोस्तों असा जो पैगाम अवहाँ सभी दोस्तन लाए ही हों अवे जहन में के सवाल तरंदा होजन अवहाँ के याद इंदा होजन तो अवहाँ असा के सजेस्ट कर सको कें फील्ड से रिलेटेड मेहमान जो अभी दिसण चाहो था उनके बुधन चाहो था अभी सजेस्ट कर इनशाला असी अवहाँ के फुल तौर से एंटरटेन करण की कोशिश कंदासी इन सा गड आई नेक तमन्नन सा गड इंदर हफ्ते ताई बल्कि सुभाणे ताई सुभाणे ताई सुभाणे आचा जे दिन ते सागी मंच ते सागी टाइम ते आई बेन मेहमानन सा गड वरी अवां दोस्तन सा मुलाकात थींदी तेस ताई रही जिंदगी त वरी अवां के वेलकम कंदासी पेंजन मेजबानन इम्तियाज लगारी आई सबाली के दींदा इजाजत आई आखिर में बुधंदा वजो हाशिम भाई जो एकड़ो जबरदस्त कलाम बिस्मिल्लाह के नीचे हूँ तो देखली जातड़ो वतारो माना चनी बनी देखली ओ घड़ी नीम के नीचे घड़ी नीम के नीचे हूँ तो देखली जातड़ो वतारो माना चनी बनी देखली जातड़ो वतारो माना चनी बनी देखली ओ छना पुछा खेल भमरिया एकली जातड़ो बतारो माना छनी बनी देखली जातड़ो बतारो माना छनी बनी देखली ओ खड़ी नीम के नीचे मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए चिर मेरे चिर मेरे बिमला बरसे पवन ही डोला खाए मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए ओ जाना बुझा झेल बुमरिया एकली जातड़ो वतारो माना छनी बनी देखली जातड़ो वतारो मरियो मासी डरियो जावे उठे पड़ियो एकड़ो ने रणियो रणियो जावे मासो जे थारो झेल बमरियो मासी डरियो जावे ओ थारा पुछा झेल बमरिया एकली जाकड़ो बतारो माना चनी बनी देखली ओ थड़ी नीम के नीचे थड़ी नीम के नीचे हो तो एकली जातड़ो वतारो माना चली बनी